अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अबर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। वो तमाम लोग जो 4 फरवरी के टेस्ट में अपेयर हुए हैं उसको क्लियर नहीं कर पाए, वो कन्फ्यूज हैं कि अब नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होगा। इसके साथ साथ दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो 4 फरवरी 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर नहीं हो सके और वो कंफ्यूज्ड हैं कि नेक्स्ट लैट कब होगा। तो सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेड डेट शेयर करेंगे। इसके साथ साथ 4 फरवरी 2024 को जो रिजल्ट डिस्प्ले किया गया है, उस टेस्ट का जो रिजल्ट डिस्प्ले किया गया है या को मार्च को, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रिजल्ट रिसीव कर चुके हैं। चंद स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ और उनके साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंट लॉक हो चुका है, तो उन तमाम चीजों को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए छोटी सी अनाउंसमेंट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी ऑनलाइन लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को मेरी सुपरविजन में, मेरे इदारे के सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वक्त हमारा 19th लैट प्रिपरेशन सेशन चल रहा है जिसमें हम स्टूडेंट्स को अपनी सुपरविजन में प्रिपेयर करवा रहे हैं। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं कि हम कैसे तैयारी करवाते हैं और घर बैठ के आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो आप सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोगों के साथ मैंने डेट शेयर की थी प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम जो है वो एक्सपेक्टेड डेट को डिस्कस करते हैं तो मौजूदा सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। आप लोग जानते हैं कि मार्च के महीने में रमजानुल मुबारक का महीना स्टार्ट होगा, इसके बाद जो है वो ईद होगी और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होंगे। तो अब लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होगा, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने स्टूडेंट्स के साथ डेट शेयर की थी कि हो सकता है कि मई के पहले 10 दिनों में कंडक्ट हो, लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि HEC ने जो रीसेंट टेस्ट कंडक्ट किया था 4 फरवरी को, वो बड़े चांसेस थे उसके कि वो डिले हो जाता क्योंकि इलेक्शन सर पे थे, 8 फरवरी को इलेक्शन होने थे, लेकिन उन्होंने उसको भी डिले नहीं किया था और जो डेट उन्होंने दी थी उस पर कंडक्ट किया था और ये टेस्ट बैक टू बैक हो रहे हैं। अब आप अगर इस वक्त ETC की वेबसाइट पर जाएं जहां पर बेसिकली जो इदारा लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करता है वहां पर जो टेस्ट है LLB कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस लेने के लिए लॉ गैट का टेस्ट, वो एडवर्टाइज किया जा चुका है और उससे पहले जो टेस्ट वही लॉ गैट हुआ है वो 7 जनवरी को हुआ, यानी कि 7 जनवरी को एक लॉग ऐड हुआ, फरवरी के महीने में उसको दोबारा अनाउंस कर दिया गया। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के टेस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो मार्च में आ जाएगी, और अगर ऐसा होता है मार्च में टेस्ट अनाउंस होता है तो आपका जो अप्रैल का महीना है वो फेवरेट होगा, और इन केस ये मार्च के आखिरी हफ्ते तक डिले होती है डेट तो एग्जाम आपके सेकंड ईयर के जैसे ही कंप्लीट हो गए फॉरन लॉ एडमिशन टेस्ट ले लिया जाएगा। और ये लैट जो अब कंडक्ट होना है ये बड़ा क्रूशियल है अगर आप साल 2024 में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसे कोई यूनिवर्सिटी मिस ना हो। 4 फरवरी वाला टेस्ट दे दिया, वेल एंड गुड, नहीं दिया तो फिर इस टेस्ट को मिस आपने नहीं करना। अब एक्सपेक्टेड डेट हम लोगों की क्या पता चली है कि मार्च के महीने में मोस्ट प्रोबेबली डेट आ जाएगी, और मार्च का आखिरी हफ्ता लैट की अनाउंसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ गैट का जो एग्जाम है वो आखिरी 10 दिनों में कंडक्ट होना है, मार्च के आखिरी 10 दिनों में, और जैसे ही वो टेस्ट कंडक्ट होगा उसके बाद फॉरन एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, नेक्स्ट जो टेस्ट HEC ने कंडक्ट करना है, HEC का जो जेली इदारा है ETC, उसने उसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली वो टेस्ट जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट होगा। तो इसकी जैसे कंफर्म डेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप अपने आप को इस डेट के अकॉर्डिंग तैयार रखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो रिसेंटली लॉ एडमिशन टेस्ट में, यानी कि 4 फरवरी वाले लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए हैं, उनको रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। एक वजह यह कि तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक वक्त में डिस्प्ले नहीं होता, 24 घंटे के वक्फे के साथ रिजल्ट आता है, 24 घंटे के वक्फे के साथ मेजोरिटी स्टूडेंट्स को रिजल्ट रिसीव हुआ, अब भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको रिसीव नहीं हुआ। तो इसकी जो है वो सिंपल ये रीजन हो सकती है कि जब आप टेस्ट सेंटर में गए थे आपकी डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपका रोल नंबर नोट कर लिया गया होगा या आपके पेपर्स को मार्क कर दिया गया होगा और वो जो है वो HEC के रिकॉर्ड में आपका रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ होगा, वो जनरेट हो सकता है। आप सिंपली HEC को कंप्लेन करेंगे, बताएंगे कि टेस्ट डे पे क्या हुआ था और यही आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको अटैच करेंगे उनकी पिक्चर्स को और HEC को मेल कर देंगे। कंप्लेन कैसे करनी है HEC को, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मौजूद है उसको देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कंप्लेन कर दें। अच्छा, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके साथ सेंटर में कोई मसला नहीं हुआ था, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे, आपने कोई चीटिंग वगैरह भी नहीं की, आप टेस्ट सेंटर में बैठे, आपने अपना टेस्ट अटेम्प्ट किया, एग्जामिनर ने आपसे पेपर लिया और आप जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पे टेस्ट खत्म करके चले गए, लेकिन फिर भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। इसका भी सलूशन यही है कि आप पहले तो मेरी तो हम्बल सजेशन आपके लिए है कि आप मंडे तक इंतजार करें। मंडे अगर असर टाइम तक रिजल्ट रिसीव नहीं होता, क्योंकि अब कल छुट्टी है, आज सैटरडे का दिन है जिस दिन आप मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मंडे असर तक का इंतजार करें। अगर नहीं काम होता, नहीं रिजल्ट डिस्प्ले होता तो कंप्लेन कर दें, कंप्लेन करने के 24 से 48 घंटे में आपको HEC की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। आपने इसको फॉलो
फॉलो अप करना है, इसको ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना है और आपने रिजल्ट रिसीव नहीं करना। लाजमन आपको रिजल्ट रिसीव होगा, आपने विजिलेंट रहना है, कंप्लेन करनी है और चीज को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों का यह मसला हल होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए दी लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें ताकि आप तमाम लोगों को हमारे जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है वहां पर ऐड कर लिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।